नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो है कड़ी पत्ता के प्लांट पर। तो कड़ी पत्ता का प्लांट बहुत हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल भी होता है, सभी घरों में मिलता भी है। बहुत कम लोग हैं जो गार्डनिंग ना करें फिर भी कड़ी पत्ता का प्लांट अपने घर में लगाते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू के साथ साथ इसको हम लोग अपने कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। तो कड़ी पत्ता का प्लांट के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। मैंने भी कड़ी पत्ता का प्लांट लगाया हुआ था। वो प्लांट मेरा एक साल पहले मैंने लिया हुआ था, पर उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही थी। और समझिए थोड़ा सा ही ऊपर के ही हिस्से में उसमें थोड़ी सी पत्तियां थी, और सीज़न में उसमें फ्लावरिंग भी हुई, सीड भी बने, पर वो इतने हेल्दी नहीं थे, क्योंकि प्लांट हेल्दी नहीं था, इसलिए मैंने उनको सबको हटा दिया था। तो जब हमारे प्लांट हेल्दी होता है तभी उसमें सीड लेने चाहिए। तो ये देखिए मेरे कड़ी पत्ते का प्लांट, और आप इसके साइड में देख सकते हैं इसकी ब्रांच जो मेन स्टेम थी वो सूखी हुई है। तो गर्मी में ये लगभग इस तरह सूख चुका हुआ था मेरा प्लांट, और फिर मैंने इसकी केयर की तो ये प्लांट आज देख सकते हैं आप कितना हरा भरा हेल्दी है। इसकी लीफ का कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है। और कई लोग कहते हैं क्योंकि कड़ी पत्ता के में स्मेल नहीं आती है कड़ी पत्ते की, तो ये इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये कुछ काम है, ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट लाएं तो पहले हमें उसकी अच्छे से रूट ओपन करके देख लेना चाहिए कि वो किसी नेट या जाली में तो नहीं है। तो ये मेरा प्लांट किसी नेट जाली में तो नहीं था, पर कुछ न्यूट्रिशन की कमी के कारण इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसकी लीफ भी नहीं बढ़ रही थी, लीफ आ ही नहीं रही थी, जो लीफ थी वो भी येलो होकर ख़राब हो चुकी थी। तब फिर मैंने इसकी पहले तो इसकी गुड़ाई करी, उसके बाद इसमें मैंने कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए चॉक पाउडर का यूज़ किया। उसके 15 दिन बाद फिर मैंने इसमें सीवीड की फर्टिलाइज़र दी। सीवीड की फर्टिलाइज़र आप 1 कप पानी में सिर्फ आधा चम्मच मैंने इसमें घोल के डाला है, जिस क्योंकि मेरा प्लांट बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है लगभग, तो मैंने उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र दी। आप अपने हिसाब से प्लांट की ग्रोथ और प्लांटर के हिसाब से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसके 15 दिन बाद मैंने इसमें गोबर की खाद और बर्मी कंपोस्ट एक एक मुट्ठी दोनों का मिक्सचर बना के इसमें डाला। और एक और खाद है एप्सम साल्ट, जिसका 1 चम्मच इस्तेमाल मैंने हर 15 दिन पे इसमें किया। ये 4 खाद मैंने इसकी फर्टिलाइज़र जो है इसमें मैंने रेगुलर 15-15 दिनों के बाद इसमें यूज़ करी, जिसके बाद इसकी जो भी न्यूट्रिशन की कमी थी लगभग पूरी हुई। और देखिए प्लांट मेरा कितना हेल्दी हो गया है। तो कभी कभी हमारे प्लांट न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी डेड हो जाते हैं। ये हेल्दी रहते हैं नर्सरी से लाते हैं, क्योंकि वहाँ वो लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जब हम घर में लाते हैं तो कभी कभी इस न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही हमारे प्लांट डेड हो जाते हैं। तो आपको अपने प्लांट में ये 3 खादों का यूज़ करना है, जिससे अगर आपके प्लांट में किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो रही है तो वो पूरी हो जाएगी और आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।